बिहार दिवस है ना वो 3 दिन तक चल रहा है, वो है 22, 23 और 24, और 24 है जो आज का लास्ट डे है। तो लास्ट डे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। मैं पहले सोच रहा था कि मैं जाके क्या करूँगा, है ना, तो लेकिन जब आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि मैं थैंक गॉड कि मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं घूमूंगा, देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में एकदम से चिपक के रही और काफ़ी ज़्यादा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज जो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है ना गाइस, वो है सुखविंदर सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, जो गाना गाए हैं ना, चल छैया छैया हो गया फिर हो गया, न जाने बीच की आया, एक पल में सदिया जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं पी आया, है ना, वही रमता जोगी, ठीक है। तो उस गाने के सिंगर आने वाले हैं, फिर उनका गाना गाया। एक और गाना है ओ शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो और सुंधी चौहान दोनों मिल के गाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो मैं तो घूमूंगा ही, जो भी चीज़ें हैं बिहार दिवस के शुभ अवसर पर, जो भी चीज़ें झांकियाँ वगैरह जो भी है लगाई गई, मैं देखूंगा ही। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा जो मेरा मन था सुखविंदर सिंह जी को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का, ठीक है, वो मेरा सपना पूरा होने वाला है, समझे। तो हम चल रहे हैं, बाकी सभी जगह तो घूमेंगे ही साथ में, और हम वेट करेंगे सुखविंदर सिंह जी के आने का, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये गेट नंबर आपका 7 पड़ता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग अंदर घुसे हैं और इधर हम जा रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, जितना मतलब कि 22-23 को नहीं था ना, इतना आज 24 का है, क्योंकि लास्ट डे है ना, तो सारा लोग आज घूम सकते हैं। और ऊपर भी 2 साल तक इतना कोरोना ने तड़पाया है ना कि लोग पागल हो चुके हैं, तो जब भी मौका मिलता है ना घूमने का, तो लोग जस्ट पूरी दम अपना जी जान लगा देते हैं घूमने के लिए, जस्ट निकल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये उद्योग मंडप वाले श्रेणी में आ चुके हैं, यहाँ आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ये कपड़ा हो गया उद्योग, मतलब समझते ना, तो यहाँ हर तरह की चीज़ देखने को मिलती है, देखते हैं क्या क्या है। ये क्या है बाबा, अरे वाह, वाओ, झूला वाला 150। ठीक है अभी नहीं लो, बहुत नहीं बोल रहे हमको
ये दोस्तों ये देख सकते हैं दाम ज्यादा और अच्छा खासा रिसीव हो गया इधर जब आया ना खुले खुले जगह में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है राइट। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं उद्योग मंडप में आपको ये सब कुछ दिखने के मिलेगा, मधुबनी पेंटिंग, उद्योग से रिलेटेड चीजें आपको शॉल कपड़ा जूता ठीक है, हैंडलूम से रिलेटेड चीजें यहाँ बिकती हैं ठीक है, तो यही सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आपको यही सब मिलेगा। कृपया हमसे निवेदन है कि रेलिंग से दूर हटके हमारे अगंतुकों से निवेदन है कि सेल्फी लेने के बाद कृपया घूम घूम कर व्यंजन बने उठाए, एक डेढ़ खड़ा होकर भूख पत्र नहीं होने दें। सफाई कर्मी आप लोग निरंतर डस्टबिन को सफाई करते रहे, किसी भी तरह का वेस्ट आइटम समय से कराए, कृपया उसे उठा कर घर से जल्द डस्टबिन में डालकर बाहर डिस्पोज करें। हमारे अगंतुकों से निवेदन है कि जो भी अगंतुक नीचे में प्लास्टिक बैठे हुए हैं अगर वो व्यंजन दान ले लिए हो तो कृपया बाहर के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि दक्षिण अगंत के घूमने और व्यंजन दान खाने में अकेला महसूस नहीं हो। चलते हैं वहाँ, वहाँ पर देखते हैं क्या है। नहीं ब्रदर, चालीस नहीं है।
लग रहा था कहीं कहीं होता भाई। कितने का है कुल्फी? कुल्फी कितने का? अभी 50। उससे कम नहीं है? बहुत महंगा है। कुल्फी कितने का अंकल? कुल्फी कितने का? सो गाइस, बेसिकली देखा जाए तो ये जो व्यंजन मंडप है, इसमें बेसिकली आपको जो पटना के जो मतलब कि मेन मेन बड़ा बड़ा जो होटल है ना, जैसे द पनास हो गया, होटल गार्गी ग्रैंड हो गया, वो सबका यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है। और जो बिहार के जो फेमस है, लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा स्टॉल लगे हुए हैं, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं यहाँ पर पैसा दे करके। जैसे मतलब हो गया, कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगा, छोला भटूरा मिल जाएगा, लिट्टी चोखा तो मिलना ही मिलना है, ओके। और आपको क्या मिल जाएगा, हर तरह के व्यंजन, डोसा हो गया, छोला भटूरा हो गया, यहाँ पर मतलब कि आके अपना पेट भर सकते हैं। थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन रोज़ तो घर में खाते ही हैं, ठीक है। बाहर आके थोड़ा सा लोगों को देख के, लोगों के सामने फैमिली के साथ कुछ खाया जाए बाहर में, ठीक है, तो उसका अलग थोड़ा मज़ा होता है। रोज़ थोड़ी ना खाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आके अपना पेट अपना भर सकते हैं, राइट। गाइस ये देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वाले मंडप में हम लोग घुस रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ओके। सो लेट्स गो। जब तक जीरो नहीं दिखाएगा तो दम सुनेगा नहीं। जीरो दिखाएगा तो ठीक है, उससे ज्यादा दिखाएगा दम सुनने खाना तो नहीं खाना। जनरेटर है, ये है ना, स्टार्ट होता है। अच्छा।
से है, लिफ्ट बंद होगा, आप देखिए उधर का डोर खुलना शुरू हो जाएगा। लिफ्ट बंद हो गया, वहाँ एक डोर है जो बड़ा आराम से खुलता है, खुल रहा तो डोर ओपन हुआ और लोग बाहर निकल गए और असेंबली एरिया में 10 जो प्रमुख अस्पताल है उसमें सारे सिस्टम लगाए जा चुके हैं और उसको रेड जोन से ग्रीन जोन में लाया जा चुका है। अस्पताल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों रोड है, हम लोग जा रहे हैं। Thank you.
पूरा लौड़ा लग जाएगा। दरभंगा सुपौल पश्चिम चंपारण किशनगंज वैशाली भारी रहता है पतला ऐसे मैडम इधर आइए थोड़ा प्लास्टिक से बना हुआ है प्लास्टिक रहते हैं तो बेस्ट मटेरियल से बना हुआ मैडम इधर आइए थोड़ा बहुत हार्ड बना हुआ मैडम क्या इसका बना हुआ मैम इधर देखिए ना इसको बनाने में कितना प्लास्टिक लगा होगा ये जैसे 18 एमएम का है ना इसका शीट आपको अच्छा हैंड बिल दीजिए हैंड बिल और 8 एमएम 25 केजी का बनता है 12 एमएम 40 केजी का उसको खुद घर से घर पे भी बना सकते हैं नहीं फैक्ट्री इसकी ये सामान भी दीजिए लकड़ी का था नहीं नहीं प्लास्टिक के अर्थी करके बना हुआ है जो वेस्ट मटेरियल होता तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था यार आपने तो मिस कर दिया लेकिन खैर मनाए कि हमने वीडियो पूरा का पूरा बना चुका हूँ बोला जाए गाइस तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ठीक है हर एक अलग अलग चीज़ देखने को मिल रही है ठीक है आप लोग तो आ नहीं पाए कोई बात नहीं वीडियो के देखिए काफ़ी अच्छे से मज़ा आ रहा है खूब ओके
और भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछिए और मैं देखता हूँ क्या गया और क्या क्या है। वेट, और हाँ कहीं जाइएगा ना, अभी सुखविंदर सिंह साहब आने वाले हैं, ठीक है? तो मैं तो उन्हीं के लिए अभी रुका हुआ हूँ, आप भी रुके रहना, ठीक है? लेट्स गो। ओह माय गॉड, सुखविंदर सिंह साहब आ गए हैं सर। बना हुआ बिहार का, ये देखिए दोस्त, देखिए बांका, जमुई, लखीसराय से पूरा मुंगेर और क्या है बेगूसराय, ऊपर खगड़िया, इधर भागलपुर, सहरसा, दरभंगा और कौन कौन दिखाई दे रहा है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और देखते हैं ये देखिए, ये है गया औरंगाबाद, ऊपर देखिए है अरवल जहानाबाद और किधर गया अपना पटना, ये देखिए पटना, पुनपुन, दरधा, ठीक है। पूरा मैप देख चुके हैं, आपको देखना है तो देखिए। देख सुखविंदर सिंह सर, देखिए एलईडी पर होना चला गया। अरे चल रहे इधर भी यार, मैं इधर तो घूम रहा हूँ, मेरा ध्यान सुखविंदर सर के पास है। जी क्या बात है गाइस, इधर ही सुखविंदर सर है, वेट, हम लोग चल रहे हैं। मैं बोला था ना शुरू में ये गाना गाएंगे ही गाएंगे।
अच्छा लगे खेल बड़े बड़े बड़े। देखिए टेबल टेनिस है, विश्राम गृह है, इंटरेक्टिव उधर वॉल है, ये फिजिक्स है। यहाँ पर हमको लगता है ना साइंस फेयर है ना, जहाँ पर मतलब कंपटीशन वगैरह होता है शायद बच्चों का हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो रात हो गई है ना, तो सब से कुछ बंद हो चुका है। यार मुझे तो लगता है कि अब बच्चों को लाओ यार, अब क्या लाओगे, अब तो ख़त्म हो गया सारा कुछ, आज लास्ट ही था ना। ये क्या है भाई, ओहो ये तो पजल है, क्या बोलते हैं इसको, मेज। चलिए देखते हैं हम इसमें एंट्री करके निकल पाते हैं क्या। एंट्री इधर से ही है क्या, चलो इधर चलना है, नहीं इधर तो पैक है, इधर चलो। अच्छा इधर से भी एंट्री, तो बाहर चला जाएगा, इधर इधर चलिए चलिए। अरे क्या है यार, हाँ हाँ निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए गाइस। ये थोड़ा सा पजल टाइप में था, मेज रहता है ना जिसके निकलने वाला, बच्चे लोग तो काफी मजा आता होगा। ये देखिए सुगम संगीत संगीत चित्रकला, वाओ देखिए गाइस एक्सटेम्पोर है, एक्सटेम्पोर समझते हैं आप, ये होता है कि आपको डायरेक्ट एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, उस पे आपको बोलना होगा, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। अरे वाओ ये लूडो है, ये क्या है, चेस है, एंड ये सांप सीढ़ी है, ओह माय गॉड व्हाट अ लवली यार। ओ देखो सब लेकर सब गंदा कर दिया है वो खेल खेल के। ये चेस है, वाओ बैठ के खेलने वाला चेस है, यहां पे डालो ये यहां पे डालो, वाओ नाम चल देख लेते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग सुखविंदर सर के पास। कल ही परसों कुछ भी नहीं था यहाँ पर, वो नहीं अभी तुरंत नहीं था, हम लोग गए थे सुरिंदर सर आए तुरंत आए। खेलते हैं सिर्फ, मेन स्टेट से अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है, हमको तो मुश्किल लगता है कि हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिच दियर सो नियर। हाय
चलो तो दोस्तों मैं ये ब्लॉग मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, इसमें इतना ही तक रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इन्जॉय करने दो सर का गाना सुनने, ओके, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक कर देना पक्का, समझे ना। उसको माता पिता